हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं बेसन के बहुत ही टेस्टी लड्डू की रेसिपी, जिसे हम घर पर बहुत ही आसानी से बनाकर तैयार करेंगे। और इसे बनाने में ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसे आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसे हमने किस तरीके से बनाया है, तो लड्डू बनाने के लिए हमने ले लिया है एक कढ़ाई, और इसे हम गर्म कर लेंगे। जब कढ़ाई हमारा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डाल लेंगे एक छोटी कटोरी से तेल। ये हमने रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है, आप इसके जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिस कटोरी से हम तेल लेंगे, उसी कटोरी से हम 3 कटोरी बेसन का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इसमें बेसन और सूजी का भी साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ बेसन का बना रहे हैं तो सिर्फ बेसन ऐड किए हैं। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, बेसन को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और इसे हम लगातार चलाते रहेंगे, और गैस का फ्लेम हम स्लो रखेंगे। गैस का फ्लेम ना ही मीडियम करना है, ना ही हमें हाई करना है। अगर गैस का फ्लेम आप बढ़ाइएगा तो बेसन अच्छे से नहीं भुनेगा और ये बेसन जल सकता है। और इसे लगातार हम चलाते हुए इसे भून लेंगे। करीब हमें इसे 10 से 12 मिनट भूनना है, तो बहुत ही अच्छे से बेसन हमारा पक जाएगा। तो इसे लगातार हम चलाते हुए करीब 8 से 9 मिनट हमने भून लिया है, और इसका कलर देख सकते हैं चेंज हो गया है, और टेक्चर भी चेंज हो गया है। तो अब हम कलर के लिए थोड़ा सा हल्दी पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इसे स्किप करना चाहते हैं तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। और इसे अब हम 2 से 3 मिनट और भून लेते हैं, ताकि जो हल्दी हमने डाला है उसका टेस्ट ना रहे। और देख सकते हैं एकदम ये चेंज हो गया है, इसका टेक्चर ऑयल जो है बेसन रिलीज कर दिया है। यही पहचान होता है कि बेसन हमारा अच्छे से भून गया है। देख सकते हैं कितना अच्छा सा लग रहा है देखने में। तो अब इसमें हम डाल लेते हैं टेस्ट के लिए इलायची पाउडर। ये हमने 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर डाला है, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये हमारा बेसन अच्छे से भून गया है, करीब हमने इसे 10 से 12 मिनट भून लिया है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं, और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अगर कढ़ाई में रखेंगे तो कढ़ाई हमारा गर्म है, उससे बेसन जल सकता है। तो ये हमने एक प्लेट में निकाल लिया है, और अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। इसे हमें पूरा ठंडा कर लेना है। तो ये बेसन हमारा जो है अच्छे से ठंडा हो गया है। तो देख सकते हैं, इसे हम चम्मच से दिखा रहे हैं, ये थोड़ा सा ठीक भी हो गया है। तो अब हम इसमें डाल लेंगे 2 कटोरी पीसी हुई चीनी। ये हमने 2 कटोरी चीनी का इस्तेमाल किया है। आप इसमें थोड़ा मीठा कम रखना चाहते हैं तो 1.5 कटोरी से 1.25 कटोरी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और अगर आपका लड्डू का मिक्सचर है जो ज़्यादा गीला लग रहा है, तो इसे आप इसमें थोड़ा सा बेसन भून कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आपको अगर नारियल का टेस्ट अच्छा लगता है तो इसमें नारियल का बुरादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये बहुत ही अच्छे से हमारा मिक्सचर बनकर रेडी हो गया है। तो अब इसे हम लड्डू बना लेते हैं। तो सभी मिक्सचर को हम साइड कर लेंगे, और थोड़ा थोड़ा सा जितना साइज में आपको बनाना है लड्डू, उसी साइज में आप थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन ले लीजिए। और इस तरीके से आप हथेली से दबाते हुए गोल गोल लड्डू बनाकर रेडी कर लीजिए। एक लड्डू हमारा बन गया है। इसी तरीके से हम दूसरा लड्डू भी बना लेते हैं। इसे बनाना देख सकते हैं कितना आसान है, और ये बहुत ही झटपट बन जाता है, और बहुत ही कम सामान लगता है। तो आपको जब भी कुछ मीठा खाने का मन करे, आपको बाज़ार जाने का मन ना हो, तो इस तरीके से आप घर पर ही बेसन का लड्डू बनाकर रेडी कर सकते हैं, और सामान भी बहुत ही कम लगता है, तो आप इसे घर पर तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारा सारा लड्डू बनकर रेडी हो गया है। देख सकते हैं देखने में कितना टेस्टी लग रहा है, और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो आज का अगर रेसिपी आपको पसंद आया हो तो एक लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा,
बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये हमने लिया है थोड़ा सा पिस्ता बादाम और उसे हमने क्रश कर लिया है, ग्रेट कर लिया है और इसे हम थोड़ा थोड़ा सा लड्डू पे डाल लिए हैं। इससे हमने गार्निश कर लिया है। आप इसके जगह सिल्वर बर्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा लड्डू बनकर हो गया है तैयार। आप इसे एंजॉय करिए और कमेंट्स में बताइए आपको हमारा रेसिपी कैसा लगा और इसे आप कब ट्राई कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए और अपने घर वालों का भी। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।